राजकुमार को हकीकत में करना पड़ा स्त्री का सामना। क्या स्त्री 2 के सेट पर राजकुमार राव को दिख पड़ा असली भूत? क्या सेट पर भूत को भगाने के लिए करना पड़ा झाड़फूंक? दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि इस मूवी में जो चंदेरी गांव दिखाया गया है वहां एक भूत का आतंक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस चंदेरी गांव में असली के भूत घूमते हैं तो आप सच में मान पाओगे? पर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये सुनकर आपको ये बात सच माननी ही होगी। चंदेरी गांव में कुछ ऐसी शक्तियों को फील किया गया है जिसके बाद स्टार्स की ही नहीं डायरेक्टर से लेकर क्रू तक की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। इस बात का खुलासा करने वाले और कोई नहीं राजकुमार राव हैं। उन्होंने सेट पर रहते नेगेटिव एनर्जीज को फील किया है। स्त्री 2 के प्रमोशन के दौरान राजकुमार राव ने यह भी बताया कि चंदेरी गांव में शूटिंग के दौरान पूरे क्रू को चेतावनी दी गई थी कि सुनसान रास्ते पर शूटिंग ना करें। लेकिन सीन्स को बेहतर बनाने के लिए चेतावनी भरे संदेशों के बावजूद टीम ने सुनसान जगह पर फिल्म बनाने का फैसला किया। राजकुमार राव ने यह भी कहा है कि उन्हें शूटिंग के दौरान हुई एक भूतिया मुठभेड़ याद है। उन्होंने जो बताया वो बेहद डरावना है। राजकुमार ने बताया कि एक रात शूटिंग चल रही थी और मेरा एक शॉट था जिसमें मुझे एक गली से गुजरना था। तैयारी पूरी हो गई थी, मैंने शॉट देना शुरू किया और कैमरामैन ने तस्वीरों के साथ उस वीडियो को भी शूट कर लिया। बेहतरीन ढंग से तस्वीरों को खींचा गया। राजकुमार राव ने आगे बताया कि शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे तस्वीरों को दिखाया। तस्वीरों को दाएं बाएं कर ही रहा था कि तभी एक तस्वीर पर मेरी नजर गई। मैं सोच रहा था कि वहां क्या है और फिर उस तस्वीर को जूम किया तो होश उड़ गए। मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। इस हादसे के बाद तुरंत ही मुझे फीवर चढ़ गया और अगली सुबह मैं नॉर्मल भी हो गया। तो दोस्तों, ये थी स्त्री 2 के सेट पर हुई भूतिया घटना। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए बॉम्बे ब्यूज़।